सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चेकिंग के दौरान अगर आपकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है तो आप अपनी गाड़ी को कैसे छुड़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में चेकिंग लगी हुई है, तो उस चेकिंग के दौरान अगर आपकी गाड़ी चेक की जाती है और आपके पास पर्याप्त कागज नहीं है, आपकी गाड़ी के डीएल नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, आरसी नहीं है, कोई भी कारण है, उसके वजह से अगर आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाता है, तो वहां पर चेकिंग करने वाले अधिकारी के द्वारा आपको एक रसीद दी जाती है। उस रसीद पर आपका नाम लिखा होता है और आपकी गाड़ी किस कारण से सीज की जा रही है ये भी उस पर लिखा होता है। और उसके बाद आपकी गाड़ी को पुलिस जब्त कर लेती है और वह रसीद आपको दे देती है। अब इसके बाद अपनी गाड़ी को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर आपका टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, ऐसी कोई भी गाड़ी आपकी है सीज हो गई है, तो आपको करना क्या है, जहाँ भी गाड़ी सीज हुई तो वहाँ की संबंधित कोर्ट से आपकी वह गाड़ी छूटेगी। इसके लिए आपको एक अधिवक्ता करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति के नाम से वह रसीद कटी थी, यानी मौके पर जो व्यक्ति वह गाड़ी चला रहा था उसके नाम से जो रसीद कटी है, उसी नाम से आपको कोर्ट में डीएल दाखिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो भी जुर्माना होता है वह जमा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक वकील करना पड़ेगा और वह संबंधित कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन में गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसकी डीएल की कॉपी लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों, जब संबंधित थाने से रिपोर्ट आ जाती है कि फला फला नंबर की गाड़ी हमारे यहाँ निरुद्ध है, तो दोस्तों उसके बाद कोर्ट में आपको अपनी गाड़ी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो डीएल है, इंश्योरेंस है, आरसी है, प्रदूषण, ये आपके सारे ओरिजिनल होने चाहिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था या पॉल्यूशन नहीं था, आपकी गाड़ी सीज हो गई, उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस पॉल्यूशन करवाते हैं तो वह मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपकी गाड़ी के सिर्फ और सिर्फ आपके पास आरसी है, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और डीएल नहीं है, तो उसका जो भी जुर्माना होता है वो आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी गाड़ी छूटेगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दें जिसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि क्षेत्राधिकार को लेकर के कंफ्यूजन रहती है। ये अगर आप बनारस से हैं और आप कहीं घूमने गए हैं बाहर या दिल्ली चले गए और वहाँ पर आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दिखा पाते हैं और वहाँ पर आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाता है, तो अगर आपकी गाड़ी बनारस की है तो जहाँ पर आपकी गाड़ी सीज हुई है, तो अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में सीज हुई है तो वह आपकी गाड़ी दिल्ली से ही छूटेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन रहता है। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी, गाड़ी जब सीज होती है तो उसको कैसे छुड़ाएं उस बारे में। और यहाँ पर दोस्तों जो फीस की बात आती है कि वकील को फीस कितनी देनी होती है, तो इसके लिए आपको वकील से ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि फीस कोई निर्धारित नहीं होती है। आप और आपके वकील की कितने में बात होती है ये आप पर उन पर डिपेंड करता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।